गाइस बैक टू बैक माय न्यू चैनल पूजा टमटा ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। सभी बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटू का मेरा प्यार। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 9:30 बजे से सीधे तैयार होके, क्योंकि मैं जा रही हूँ मंडी सब्जी लेने। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो घर के पास दुकान में सब्ज़ी ज़्यादा नहीं मिल रही थी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है तो उन्हें भी लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए मैं सीधे जा रही हूँ मंडी। और मौसम हो रहा आज थोड़ा ठीक हो रहा है, थोड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि थोड़ा बादल से लगे हैं और धूप भी आई है। कल तो बहुत ख़राब हो रहा था मौसम, आज थोड़ी ठीक है। तो मैं जा रही हूँ मंडी, क्योंकि चलते चलते वीडियो नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि कोहरा लगा है तो वीडियो उतनी साफ भी नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है वीडियो, इसलिए। तो अभी मैं जाने लग गई हूँ मंडी, आपको मिलती हूँ मैं सीधे। फुटबॉल वगैरह खेलने वाला स्टेडियम है और यहाँ पे कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, मुझे नहीं पता। ये हो गया फील्ड, यहाँ पे है मस्जिद, यहाँ पे मस्जिद है और ये है अमर उजाला अखबार की मील है। बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। आपने ये टावर देखा होगा जो क्रिश वाली मूवी में भी था, जब ऋतिक रोशन यहाँ पे खड़े होके अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, आपने कई बार देखा होगा फिल्म मूवी। तो ये वाला टावर है, ये है, मतलब टावर नहीं है, ये नगर पालिका का ऑफिस है शायद, हाँ मुझे नहीं पता बट क्या है, शायद नगर पालिका का ऑफिस है। और यहाँ इसके ऊपर साइड है मेन रोड। अभी मैं पार्क में बैठी हूँ ना, थोड़ा थक गई थी सामान लेके तो मैं भी बैठ गई। और उधर साइड है नैना देवी मंदिर है, मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मेरे पास सामान है और अकेले भी हूँ इसलिए मैं मंदिर में भी नहीं जा सकती, तो दूसरे ब्लॉग में दिखाऊँगी आपको मैं। और ऊपर दिख रहा होगा आपको ये जो टावर है ट्रॉली का है, ये यहाँ ट्रॉली की सुविधा भी है। अभी मैं ट्रॉली में नहीं जा सकती, दूसरी वीडियो में ही दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है और सामान छोड़ के भी नहीं जा सकती मैं, कोई साथ में भी नहीं है। और आपको ये मैं टावर पास से दिखाऊँगी दूसरी वीडियो में, अभी तो इतना जूम नहीं दिख रहा, दूसरी वीडियो में दिखाऊँगी। यही पर क्रिश मूवी की शूटिंग हुई थी तो आपको दिखाऊंगी मैं दूसरे वीडियो पे। यहाँ पे है गाइस पार्क,
अभी ये सूखा सूखा हो रहा है, अभी हरा भरा होता है जब तब तो अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पर। और यहाँ लगती है शाम को मार्केट रोड पे, वो वहाँ तक मार्केट लगती है। सुबह के टाइम इस मौसम पे बंद होती है, ठंडी के टाइम पे, गर्मियों में सुबह लगती है और ठंडियों में शाम को। अभी सारे ठेले बंद है, शाम को दुकान लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। कभी शाम के मार्केट दिखाऊंगी मैं आपको अपने दूसरे ब्लॉग पे। और गाइस यहाँ पर है थिएटर, यहाँ पे थिएटर है शायद, यहाँ पे है थिएटर। अभी मैं गई नहीं हूँ थिएटर पर मूवी देखने, जिस दिन जाऊँगी तो आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊँगी। जाऊंगी मैं घर को, या हमारे घर पर जाने वाली हम निकलते घर को, देर भी हो गई। बस मैं पहुंच गई हूँ आधे रास्ते पे, और आधे रास्ते पे बैठी हूँ मैं क्योंकि थक गई थी, दोनों हाथों में सामान था, हाथ थक गए थे। बाइक नहीं मिली मुझे क्योंकि रेंट पे बाइक मिलती है यहाँ, आज नहीं मिली क्योंकि सुबह बहुत कम मिलती है, शाम के टाइम पे ज़्यादा मिलती है, तो बाइक का इंतज़ार करती थी मैं रोड पे, मिली नहीं, इसलिए मैं पैदल ही आ गई। और दोनों हाथों में सामान था तो हाथ भी थक गए और वीडियो भी नहीं बना पा रही, तो मैं सीधे आपको अब घर मिलती हूँ, घर जा कर मिलती हूँ। ले जाओ ले जाओ ले जाओ मम्मी, कैसे कर रहा है ये, काटने जो आएगा ले, अब नहीं है, सारे के सारे आ गए, लभी सारे के सारे बंदर आ गए, अब कहाँ से दूं मैं, अब मेरे पास नहीं है, वो भी आ रहा, ये ले तुझे नीचे ही दे दूंगी, ले ले, ये कैसे रह जाएगा देखना। हाँ ये हेलो हाय हाय मंकी, लभी देखो मंकी आ गए, और चाहिए और चाहिए, ये ले मम्मी, डर भी लग रही है मुझे, अब नहीं है, अब ख़त्म हो गए, जाओ ये कैसे बैठे हैं ये। तो फाइनली गैस मैं घर पहुंच गई हूं, और घर पहुंच के मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, और घर पहुंच के तब धूप नहीं आई थी, अभी धूप आ गई है, और मैंने लभी की मालिश भी कर दी, उसको कपड़े भी पहना दिए हैं। मैंने लभी के लिए एक टोपी बनाई है, मैं आपको दिखाती हूं, बिन के बनाई है मैंने अपने हाथ से, ये अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुई है, अभी पूरी तरह रेडी होगी तब बताऊँगी, जब पूरी तरह रेडी हो जाएगी तब आपके कपड़े पहना दिए हैं इसके, ये देखो ये टोपी बन रही हो ना, ना किसके लिए बना रहे हो, मैं पहनूंगा, मैं पहनूंगा के लिए। मेरे लिए बना रहे हो, मैं ये मेरा है, मेरा है। कौन लाया था, मौसी, कौन लाया था इसको बताओ। ये देखिए गाइस ये है टोपी, कैसी लग रही कमेंट में बताना, मैंने फर्स्ट बार बनाई है ये, बाबू अच्छी लग रही मम्मा। तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग्स पे, और बताना जरूर कि टोपी कैसी बनी थी क्योंकि मैंने पहली बार बनाई थी, और मैंने स्वेटर भी बना रखा है, दोनों साथ में पहना के आपको दिखाऊंगी कभी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बाय।